एक क्लासिक कॉन्टिनेंटल स्टाइल रेसिपी जो सब्जियों से भरपूर हो, स्वाद में बेहतरीन हो और थोड़ा प्रोटीन और थोड़ा फैट का संगम हो, तो मन को ज़रूर लुभाएगी। न अंडा न प्याज, फिर भी लाजवाब। नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड वेजिटेबल इन वाइट सॉस। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून मक्खन डालिए और इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालिए और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर इनको भूनिए। इसके बाद 2 कप ठंडा दूध डालकर धीमी आंच पे इसे पकाइए जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे चलाते रहें ताकि इसमें गुठली या गांठ ना पड़े। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालिए और अच्छे से मिला लीजिए। तब तक पकाइए जब तक कि सॉस आपके कलछी के पीछे चिपकने ना लगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई चीज़ डालिए और उसे भी अच्छे से मिला लीजिए और फिर आंच बंद कर दीजिए। वाइट सॉस तैयार हो गई है। एक दूसरा पैन लीजिए और इसमें 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून मक्खन डालिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन डालें, ना खाते हो तो ना डालें, और थोड़ा सा भून लें। इसके बाद 1/2 कप लंबाई में कटी हुई बीन्स और 1/2 कप लंबाई में कटी हुई गाजर डालिए और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब डालिए 1 कप गोभी के छोटे छोटे टुकड़े, 1/2 कप मटर और फिर 1 मिनट भूनिए। अब डालेंगे 1 कप ब्लांच करी हुई ब्रोकली, 1/2 कप हरी वाली शिमला मिर्च, 1/2 कप लाल वाली शिमला मिर्च और 1/2 कप पीली शिमला मिर्च। अब इन सब सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे और करीब 3-4 मिनट तक इनको भूनेंगे। फिर डालिए 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अच्छे से इनको इन सब्जियों में मिला लीजिए। सब्जियां तैयार हैं। अब इसमें हल्का सा बढ़िया टेस्ट लाने के लिए 1/4 कप पाइनएप्पल के टुकड़े डालें और उनको मिला लिया। अब इन सब्जियों को अब वाइट सॉस में डाल के अच्छे से इनमें मिला लिया ताकि वाइट सॉस सारी सब्जियों पे अच्छे से लिपट जाए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये। अब एक चिकना करी हुई डिश जिसको आप बेक कर जिसमें करेंगे उसमें इस वाइट सॉस में सब लिपटी हुई सब्जियों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके ऊपर 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई चीज़ डालिए, चाहे तो आप ग्रेटेड करके भी डाल सकते हैं, कस के भी डाल सकते हैं चीज़ को। इसे रख दीजिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए या जब तक कि ऊपर से एकदम सुनहरा भूरा ना हो जाए। आपका बेक्ड वेजिटेबल्स इन वाइट सॉस तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।